कोई सहभागिता नहीं हुई थी, हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, हमारी समस्याओं के बारे में, हमारे हितों के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं की गई होगी, स्पष्ट है। होता क्या था, शोषण का काम नहीं था, विदेश लोगों का शोषण करता था, ऐसे कानून होते थे जो हितों को समर्थन करते थे। हमारे देश के लोगों ने आजादी के लिए आंदोलन किया, लोगों ने साथ दे दी, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, राजनीति का जाति मान्य की थी, तब जाकर के महाराजा। आज हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि संसद में विधानमंडल में जाते हैं, वहां हमारे और आपके लिए नियम कानून बनते हैं और हम लोग उसको पालन करते हैं। ये पूरा इसका क्राइटेरिया है। और सवाल यह है कि हमारे देश के शहीदों ने जो सपना देखा था, जो उनका ड्रीम था कि देश हमारा आजाद होगा तो आजाद भारत कैसा होगा, अब क्या वैसा है? अगर वैसा नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है? उसके कौन सबका जिम्मेदार है, कौन लोग जिम्मेदार है? हमारे से बहुत बात में कई देश आजाद हुए और उन देशों की स्थिति आज बहुत बेहतर है। वहां पर कैपिटा इनकम, वहां का डेवलपमेंट इंडेक्स, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर फील्ड में हम लोग आगे हैं और हम लोग पीछे रह गए। ज्यादा दूर में जाते हैं कि मैं संक्षेप बताऊंगा। 1857 में हमारे देश में पहला आजादी का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हमारे देश के लोगों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए संकल्प लिया और कामयाबी उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली थी? बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें संगठन का अभाव था, कोई बड़ा लीडर नहीं था उसमें। हमारे देश के लोगों ने मुगल काल के अंतिम शासक जो आक्रमण था, नशाखोर था, उसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी। बहादुर का जफरदीति वो अपना सम्राट डिक्लेयर किया। बहादुर का जफरदीति मुगल वंश का अंतिम शासक, जिसकी अधीनता हमारे देश को उन्होंने स्वीकार किया और स्वयं लड़ाई में वो कुछ भी नहीं लड़ाया, वो घर से बाहर नहीं निकला था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में अपना नेता उसको स्वीकार किया लोगों ने कि हम लोग इसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। और लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसके पास लाठी थी, लाठी से, तलवार से, चाकू से, जो भी जिसके पास था, धक्का मुक्की से, मुक्के से, लात से, जूतों से, लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, सेना थी, पुलिस थे, उन लोगों ने उस आंदोलन को कुचल दिया। नहीं तो 1857 में ही हमारा देश और पहले लंबे साल और पहले आजाद हो गया होता। तो इसका मतलब यह है कि कुछ समय तक हमारे देश में कोई विभाजन नहीं था, लोगों में समाज बटा हुआ नहीं था। अगर उस समय की आज की स्थिति नहीं होती तो बहादुर का कोई पर नेता स्वीकार नहीं करता। यह इसी से होता है कि 1857 में बहादुर का अंतिम शासक था, उसको नेता स्वीकार किया। उस समय तक हमारे देश में एकता थी, भगवान की भावना नहीं थी, जातिवाद की भावना नहीं थी, धर्मवाद सुखवाद की भावना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तभी तो लोगों ने प्रतिज्ञा स्वीकार की और अंग्रेजों को यही संदेश खड़ा होगा, यहां तो गजब की यूनिटी है, संगठन है, और अगर हमें हिंदुस्तान में और लंबे समय तक राज्य करना है तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे। तो वहां से
लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, लॉर्ड मैकाले को वायस राय बनाया गया, उसका नाम जाओ करो, महाराज का नाम क्या करना पड़ेगा, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसने वहां से इतिहास का, समाजशास्त्र की, राजनीति की, अर्थशास्त्र की, तमाम वैज्ञानिकों को लेकर के यहाँ भारत में आया, यहाँ के समाज का अध्ययन किया, यहाँ लोगों के बारे में समझा, तो उसको लगा कि यहाँ तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, कि यहाँ हम हिंदुओं को हिंदुओं को पढ़ा सकते हैं और हिंदुओं को हिंदुओं पढ़ा सकते हैं, यहाँ की जो सामाजिक भावना को लोग ध्वस्त करके आपस में लड़ा करके संघर्ष को खत्म कर सकते हैं, और जब ये हो जाएगा तो हम लोग जो है यहाँ और लंबे समय तक राज कर पाएंगे। तो फिर पुनर्लेखन हुआ इतिहास का, यहाँ के समाज के बारे में पुनः लिखा गया, यहाँ का इतिहास लिखा गया, यहाँ का समाज लिखा गया। कैसे लिखा गया कि बाकी लोग आपस में लड़े। इतिहास में ध्यान रखा गया कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल जो था हिंदुओं का बहुत ही गौरवशाली काल था, मध्य का इतिहास क्या था, मुसलमानों का इतिहास था, मुसलमानों का राज था, उन्होंने उत्पन्न किया, शोषण किया, सब कुछ समझ ये लिखा गया था ताकि आपस में नफरत पैदा हो जाए। और अब वो इतिहास लिखने का हुआ कैसे, कैसे लोग जानेंगे उसको, तो फिर यहाँ यूनिवर्सिटी सर्विस की गई 1858 में, जस्ट एक साल बाद पूरे भारत में तीन यूनिवर्सिटी सर्विस हुई, एक कोलकाता में बना विश्वविद्यालय जो पूरा उधर का स्टेट कंट्रोल करता था, एक सेंट्रल इंडिया इलाहाबाद में सर्विस हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक साउथ इंडिया में मद्रास में सर्विस की गई यूनिवर्सिटी, ताकि यहाँ के लोगों को, नौजवानों को ये पढ़ाया जा सके और पढ़ के लोगों को आपस में नफरत पैदा हो जाए, और पढ़ाया गया और नफरत पैदा हुई। उस सफर का परिणाम रहा कि मुसलमानों का अलग संगठन चलने लगा और हिंदुओं में दलितों का अलग चलने लगा, तो किसी का अलग चलने लगा, सब लोग अलग अलग बट गए, निपट गए, तो बंदे साहब और बांट कर बहुत लंबी स्टोरी है, ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें यू नाम जाऊंगा कि वह पालसी आजादी की बात चल रही है, जो पालसी 1857 की क्रांति के बाद बनाई, वह हमारे देश के पॉलिटिकल भले हमारे देश के हैं, वो आज भी उसको यहाँ बकायदा लागू किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, और बनी ही जाए बल्कि बार बार भी उनका फोकस इस पर नहीं है कि यहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, यहाँ के लोगों को कैसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो, इस पर फोकस ज्यादा नहीं है, फोकस केवल इसी पर है, चिंतन इसी पर है कि उनकी सत्ता कैसे मेंटेन हो, कैसे पावर में बने रहे, इसी फोकस पर। अगर इस पर फोकस हो जाए कि कैसे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव किया जाए, यहाँ लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कैसे लोगों को आर्थिक समृद्धि बढ़े, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, अगर इस पर फोकस होता तो भारत देश आज बहुत आगे होता। तो ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अधिकार हमें और आपको दिया गया है, आजादी पर अधिकार तो था नहीं, एक देश की जनता सरकार चुकी, सरकार तो आज देश की जनता तो नहीं थी, लेकिन आज हम चुन रहे हैं सरकार, और सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्यों बिगड़ जाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा
मीडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया आजकल व्हाट्सएप में उसकी चल रही है, फेसबुक चल रहा है, तमाम ऐसे कंटेंट पीछे जा रहे हैं, उनके अलग थिंक टैंक है जो खाली से काम करते हैं, हम ये लिख देते हैं ये समझेगा ये नहीं समझेगा और हम सब लोग उसमें आगे बढ़ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ इस सोचने का विषय है कि क्या हमारे लिए दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। अब रही बात है कि आप लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समाज में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में किसी का योगदान है सबसे ज्यादा